किताबें तो आप जरूर पढ़ते होंगे, वो हाउ टू बिकम रिच वाली किताब। तो उसकी पहली कोशिश ये होती है कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करे। कि कैश इन्वेस्टमेंट और इंस्टॉलमेंट इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? बहुत ब्राइट फ्यूचर है। इसको कर दीजिए। वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ द प्रॉपर्टी टॉक्स बाय विरासत रियल एस्टेट। मैं हूं आपकी होस्ट हादिया गदीर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान का पहला अनऑफिशियल प्रॉपर्टी टॉक शो। आज हम जिस मेहमान को बुलाने जा रहे हैं, उनको शायद विरासत में तो इतनी विरासत नहीं मिली, लेकिन उनने खुद की विरासत ज़रूर बना ली। तो आइए वेलकम करते हैं आवर वेरी ओन द सीईओ ऑफ विरासत रियल एस्टेट, मिस्टर इरफान अमजद साहब। तो जी इरफान भाई, क्या आप इस इंट्रोडक्शन से एग्री करते हैं कि आपको शायद विरासत में इतनी विरासत तो नहीं मिली? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हर तरफ से नवाजा है और अल्हम्दुलिल्लाह से। और अब यानी कि ना उस विरासत के बाद इसको यानी कि ना हमने इसलिए यानी कि ना चूज़ किया। देखें, आप मोस्टली वो होता है कि आप अपना टाइम जो है कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। इस टाइम मेरा ख्याल है कि हम अपनी फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाते जितना हम इस विरासत को इतना टाइम दे रहे हैं। तो इस विरासत का हम इस टाइम ये देखा जाए तो ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं उस विरासत की नस्बत। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने हर तरह से मेहरबानी की है और अभी तक का सफ़र जो है बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला आगे भी अपनी मेहरबानियों का सिलसिला ऐसे जारी रखेंगे। सही हो गया इरफान भाई। तो क्या हॉबीज़ हैं आपकी? लाइक किताबें तो आप ज़रूर पढ़ते होंगे, वो हाउ टू बिकम रिच वाली किताबें। देखें, एक टाइम फ्रेम होता है कि आप उस टाइम फ्रेम से के अंदर आप ये सब चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक्शन का टाइम होता है तो फिर आप कि वो सब चीज़ें जो आपने रीड की हैं या वो जो आपने अपनी लाइफ से जो लेसन लिया है, तो अब उसमें एक्शन का टाइम होता है। तो ये इस टाइम जो है वो मैं अपनी टीम को भी कहता हूँ कि ये टाइम एक्शन का है। अब जितनी लर्निंग करनी थी अब हमने उसको यानी कि ना इस मार्केट के अंदर आकर और इस बिजनेस में इंशाल्लाह वो एक्शन दिखाना है और फास्ट ट्रैक पर अपने आप को लेके जाना है। जी बिल्कुल इरफान भी, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस रियल इस्टेट इंडस्ट्री का आगे क्या फ्यूचर है? देखें, अगर आप ओवरऑल यानी कि टर्नओवर देखें, मेरा इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमने इसको लर्न किया है, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में अभी चार से पाँच साल हुए हैं अभी इन हुए हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री ने शुरू से ही पाकिस्तान को बड़ा स्टेबल किया है और लोगों ने इस पर अर्न किया है। देखिए, मेन चीज़ यही है कि हम लोग जो हैं, हम बेशक वो सैलरी पर्सन है या वो बिजनेसमैन है, जब भी उसकी इनकम सेव होती है या वो अपनी यानी कि जो भी उसके एक्सपेंस होते हैं उससे एक्स्ट्रा कोई भी इनकम जनरेट करता है, तो उसकी पहली कोशिश ये होती है कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करे। तो इसका बूस्टअप है, और बूस्टअप तब होता है कि जब यहाँ के यानी कि जो हमारे लोग हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हों। तो मैंने आपको बताया कि जितनी आपकी इनकम सेव होती है तो आपका पहला जो हदफ जाता है या पहला जो आपका टारगेट होता है वो होता है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। बेशक वो किस कंडीशन में भी हो, किस प्रोजेक्ट में भी हो, वो अलग टर्म्स हैं, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के बारे में आप रियल एस्टेट को पहला फोकस रखते हैं कि मेरा जो पहला फोकस है वो रियल एस्टेट होना चाहिए। और ये हमने देखा है कि हम लोग क्योंकि काफ़ी टाइम से डिफरेंट लोगों के साथ, बेशक वो ओवरसीज़ हैं या वो हमारे जनरल पब्लिक है, तो हम यानी उनसे पूछते रहते हैं ड्यूरिंग डील, तो वो यही कहते हैं कि बस जैसे ही इनकम सेव हुई तो हमने सोचा कि इसको इन्वेस्टमेंट करें, तो हमने रियल एस्टेट को चूज़ किया। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि इसका जो आगे आने वाला फ्यूचर है वो अल्हम्दुलिल्लाह से वो बहुत बेस्ट है। और अभी भी यानी कि ना जो इसका ट्रेंड चल रहा है वो बहुत ही यानी कि ना ग्रोइंग फेज़ है, और इसमें बहुत सारे नए चेहरे आ रहे हैं
और वो यानी कि ना लोग जो हैं अगर वो अच्छी यानी कि ना तरीके से मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो वो अर्न भी कर रहे हैं, और बेशक वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से हो या वो बेशक एज अ बिजनेस पर्पज से इसको सिलेक्ट कर रहे हो, इस रियल स्टेट को, वो अर्न कर रहे हैं सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह से। तो कोविड ने इस इंडस्ट्री को किस तरीके से इम्पैक्ट किया है, इज़ इट पॉजिटिवली और नेगेटिवली, और अगर फ्यूचर में ये कंटिन्यू रहता है कोविड, तो क्या फ्यूचर होगा रियल इस्टेट इंडस्ट्री का? जिस तरह आपने कहा कि सबसे पहले कि आपने बुक्स तो रीड की होंगी, कोविड एक ऐसा टाइम था कि जिसमें वो लोग जो अभी यानी कि ना इसको देख रहे थे कि इस बिज़नेस को ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन अब इसमें किस तरह हम ग्रो करें, तो वो बहुत अच्छा टाइम था। उसमें बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज मार्केट में नई आई हैं और उन्होंने लर्न किया उस टाइम, और उस फेज़ के अंदर लोगों ने यानी कि ना लर्न कर कर उसको, जिस तरह मैंने पहले कहा कि अब एक्शन का टाइम होता है, तो एक्शन लिया। बाकी रहेगी कि जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या एंड यूज़र, उनके लिए कैसा फेज रहा, बहुत ही अच्छा यानी कि ना फेज था वो, और बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस आया, बेशक वो ओवरसीज से था या हमारे यानी कि नेशनल लेवल पर था, बहुत ही ज़बरदस्त रियल एस्टेट के अंदर बूस्टअप आया। जो प्राइस यानी कि ना, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि वो उस टाइम प्राइस 20 से 25 लाख प्लॉट की थी, वो 35 + 45 तक बूस्ट यानी उसके प्राइस मूव हुए हैं, और अभी यानी कि ना ये मोस्टली मुझसे एक क्यूरीज डिस्कस की जाती है रिगार्डिंग कोविड के, अगर हालात नॉर्मल होते हैं या इससे भी बदतर होते हैं, तो दोनों कंडीशन में कोविड कैसा यानी कि ना आपको रियल स्टेट कैसा यानी कि ना लगेगा कि इसमें ये जो बबल्स बनी हुई हैं, जो प्राइस 15 से 20 लाख रुपये जंप हुआ है, तो वो कैसा रहेगा? तो मैं उनको अपडेट करता रहता हूँ। देखें, ये प्राइस ये नहीं है कि इस 1.5 साल के टाइम फ्रेम में एक साथ ही ऊपर गई है, ये जो है प्राइस है ये डिफरेंट टाइम में, यानी कि ना ये आप देखें कि 2 से 3 माह के अंदर 3 से 4-5 लाख का जंप लगा, ऐसा ऐसा ये जंप जाते जाते 15 से 20-25 लाख तक गया है। अगर बबल्स हुई भी सही तो यानी कि ना बहुत माइनर सी होंगी, लेकिन अभी यानी कि जो कंडीशन नज़र आ रही है रियल एस्टेट के अंदर, जिस तरह लोगों को इसके एडवांटेज मिले हैं और जिस तरह गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको यानी कि लोगों ने फॉलो किया है, एमनेस्टी स्कीम को का बेनिफिट लिया है इसमें, तो यानी कि ना मुझे लगता है कि ये मज़ीद इंक्रीज़ भी होंगी, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट लोग इस टाइम कर रहे हैं वो बेनिफिट में भी रहेंगे। कोविड की वजह से इंशाल्लाह आपको यानी कि ना रियल एस्टेट के अंदर कोई इफेक्ट इतना ज़्यादा होता हुआ नज़र नहीं आएगा, तमाम चीज़ें अपने नॉर्मल रूटीन के मुताबिक गई हैं, लेकिन एक था ना कि जिस तरह के कोविड 19 के बाद या कोविड 19 अभी जिस तरह उसकी डिफरेंट वेव्स आ रही हैं कि इसमें बायर मार्केट में कम होगा, मुझे वो नज़र नहीं आया, बल्कि किसी को भी वो नज़र नहीं आया कि कोविड की वजह से मार्केट के अंदर कोई बायर सेलर नहीं आया, दोनों इक्वल आया है, जितनी डिमांड आई है उतनी सप्लाई आई है, और डिमांड एंड सप्लाई इक्वल रही है। कहीं भी मुझे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा नहीं लगा, इस्लामाबाद की बात करें या मुल्तान की बात करें, तो मुझे किसी भी जगह ऐसा नहीं फेस हुआ कि इस टाइम जो है वो मार्केट के अंदर डिमांड यानी कि ना कम है और सप्लाई ज़्यादा है, जिससे असल में इफ़ेक्ट यही होता है कि जब आपकी डिमांड ज़्यादा होती है कम होती है, आपकी सप्लाई ज़्यादा हो तो उसमें आपकी प्राइस जो है वो यानी कि ना डाउनफॉल हो जाती हैं, गिर जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इस तरह का नहीं है कंडीशन। चलिए, ये तो अच्छा है, किसी चीज़ में तो कोविड ने फ़ायदा दिया। अच्छा इरफान भाई, ये बताएं कि कैश इन्वेस्टमेंट और इंस्टॉलमेंट इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है और कौन सा ज़्यादा बेहतर है? देखिए, कैश जो इनकी इन्वेस्टमेंट है ये भी बहुत इनकी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन ये उन लोगों के लिए होती है जो लोग अपनी इनकम एक्सपेंस के बाद अपनी अच्छी इनकम सेव कर रहे होते हैं, तो वही लोग इस तरफ आ सकते हैं, या जिनका जो कोई बिजनेस मैन होते हैं, जिनका कोई बिजनेस होता है, सैलरी पर्सन, बहुत कम लोग कैश की तरफ आते हैं या उनको बहुत कम मौका मिलता है। मसलन अगर कोई इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेना चाहता है तो वो यानी कि सैलरी पर्सन तो ईजिली ले सकता है, लेकिन अगर वो कैश के ऊपर लेना चाहेगा तो मेरा ख्याल है कि वो 2 से 3 साल के अंदर एक मरतबा ये डिसीजन ले सकता है, अगर वो अपनी इनकम को कलेक्ट करता रहे। अगर
बिजनेसमैन देखें या ऐसा कोई पर्पज़ जो कि लाइक एज जो किसान है या जो हमारा फार्मर लोग हैं या कोई बिजनेसमैन है कोई भी है उसके पास बल्क में अमाउंट रहती है तो वो उसको कैश में यूज़ कर सकता है। इसलिए कैश अच्छी चीज़ है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, एक अच्छा तरीक़ेकार है। उसकी रीज़न ये है कि उसमें बल्क में आप अमाउंट देते हैं तो आप बल्क में ही इन्वेस्टमेंट आप उसका बेनिफिट लेते हैं, जबकि इंस्टॉलमेंट जो है ये एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि एक पर्सन जो इंस्टॉलमेंट पर लेगा तो एक तो वो 2 लाख यानी कि उसकी प्राइस थोड़ी सी हाई होती है बनिस्पत कैश के, कैश प्रोडक्ट के। मतलब एक प्लॉट अगर एक ही सोसाइटी के अंदर कैश के अंदर वो 15 लाख का मिलता है तो इंस्टॉलमेंट पर वो 25 लाख का मिलेगा। और ये डिफरेंस जो है इसको यानी कि ना जो इंस्टॉलमेंट वाला है वो फोन इसमें बेनिफिट नहीं ले सकता। इसलिए अगर किसी की पॉकेट इजाज़त देती है, उसका बजट इजाज़त देता है कि वो कैश की तरफ आए तो लाजमी उनको कैश की तरफ आना चाहिए, वरना इंस्टॉलमेंट का है। लेकिन इसमें ये भी तो हमने सोचना है ना कि जो इंस्टॉलमेंट पर ले रहा है वो एक स्लो तरीके से अपनी अमाउंट को जमा करवा रहा है सोसाइटी के अंदर, और इसी तरह वो स्लो प्रोसेस के थ्रू उसका बेनिफिट भी लेगा आने वाले टाइम में। सो इट्स मोर अबाउट पर्सन टू पर्सन के किसके पास कितना। Exactly, बिल्कुल ऐसे। अच्छा इरफान भाई, आपके पास भी क्या वैसे क्लाइंट्स आते हैं जो हर दूसरे दिन बाद कॉल करते हैं मगर कभी खरीदने नहीं आते? जी बिल्कुल, मैं अपनी टीम को अक्सर औकात मेरी टीम उससे बल्कि ये बात करती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम डेली उनको अपडेट कर रहे होते हैं लेकिन हमें वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो मैं अक्सर उनको ये बात यानी कि ना कहता हूँ कि अपनी टीम को समझाता भी हूँ, और ये हमारा यानी कि ये पर्पस नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं कि वो कस्टमर जो है वो आपसे इन्वेस्टमेंट करें। देखिए रियल एस्टेट क्या होता है कि आप घर लेते हैं ये भी रियल एस्टेट में है, आपने कोई शॉप लेनी है वो भी रियल एस्टेट के अंदर है, ठीक है, आपने कोई ओपन स्पेस लैंड लेनी है वो भी आपके आपके यानी कि ना रियल एस्टेट के अंदर शामिल होती है। तो ये सब एक ड्रीम भी होती हैं। मतलब एक पर्सन है उसका ड्रीम है कि मैंने अपना एक घर बनाना है, ठीक है, वो रेंट वाले घर के ऊपर या किराए वाले घर के ऊपर गुजारा कर रहा होता है। तो ये लोगों का ड्रीम भी है, क्योंकि आपको पता है कि ड्रीम के लिए आपकी प्लानिंग होती है बकायदा, आप उस प्लानिंग के मुताबिक अपने बजट को अरेंज कर रहे होते हैं और फिर उन आपके आपकी जो बजट है जो इनकम एक्स्ट्रा होती है उसको कलेक्ट कर रहे होते हैं एक जगह पर। उससे ये होता है कि आप फिर ऐसा ऐसा उस लेवल पर पहुँचते हैं कि आप उसको अचीव कर सकें। तो मेन चीज़ है कि हम लोगों का काम है कि हम कंसिस्टेंसी फ्राम करें उन कस्टमर्स को और उनकी रहनुमाई करें ताकि उनके लिए एक्शन लेना आसान हो, वो अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर सकें। तो इसलिए कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं होता कि आप उस पर कहें कि आपको बहुत सारा कॉल्स या आप यानी कि ना आपको इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं फिर जाके होता है, वो तो एक एफर्ट अलग है। लेकिन देखें आपको जो कॉल कर रहा है, मैं अपनी टीम को अक्सर कहता हूँ कि जो आपको कॉल कर रहा है ना उसका एक पर्पज़ है, कोई ऐसा फ्री नहीं है किसी के पास टाइम के। वो एक रियल एस्टेट एक अलग से फील्ड है कि आपकी इनकम सेव हो रही है या आपकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रही है तो फिर आप इसके बारे में सोचते हैं। तो ये नहीं है कि आपकी कोई नीड है, ये आपके एक्स्ट्रा जो आप चीज़ें कवर करते हैं उससे ही आप रियल एस्टेट के अंदर आते हैं। तो एक पर्सन ऐसे आपको कॉल नहीं कर लेता, वो अपनी जरिए बात है कि एफर्ट कर रहा होता है कि मैं किसी तरह कुछ ना कुछ सेव करके मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं। तो हमें भी या हमसे लोग जुड़े जितने भी लोग हैं जो रियल एस्टेट के अंदर मार्केटिंग को फेस कर रहे हैं और उसमें लोगों को नॉलेज दे रहे हैं तो उनको इस चीज़ के लिए सब्र करना चाहिए और कस्टमर को वो फेयर कंडीशन स्पेस तो देनी चाहिए लेकिन वो फेयर कंडीशन भी बतानी चाहिए कि जिससे वो अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर सके। लाइक एज प्लॉट लेना है, घर लेना है, ओपन स्पेस है, फार्म हाउसेज की तरफ आना है तो वो उसकी तरफ आ सके। बिल्कुल ठीक हो गया इरफान भाई। अच्छा आप बताएं कि आप अपने आप को अगले 5 से 10 साल में कहाँ देखते हैं? देखें मेन चीज़ है कि इंसान का जो प्लान होता है, मुझे इसमें एक चीज़ यानी कि ना अक्सर औकात हर शॉप के आगे या लोग ना एक पार्किंग में खड़ा हुआ पर्सन वो सेल कर रहा होता है कि उसमें ना एक हदीस कुदसी है कि एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है। वो मैं मुकम्मल तो यहाँ मुझे अब याद नहीं आ रहा लेकिन उसमें एक लाइन मुझे याद है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि होगा वही जो मेरी चाहत है। इंसान यानी कि ना प्लान तो कर सकता है लेकिन गुड प्लानर जो है वो मालिक की ज़ात है और वो अल्लाह ताला की ज़ात है।
हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपने आप को एज अ यानी कि ना इस मार्केट में एक मेन चीज़ है कि आप जो काम करें वो बेस्ट करें, ठीक है। और हमें ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं है कि ये सफ़र जो हमारा गुजरा है वो अल्लाह ताला ने कितना यानी कि ना उसमें मेहरबानी की है और जो प्लान थे उससे बढ़कर मिला है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम अब आने वाले हैं क्योंकि हमने मार्केटिंग भी कर ली, अब डिफरेंट यानी कि डेवलपर्स या जो यानी कि ना मार्केटिंग के पर्सन थे उनसे साथ अटैच होकर हमने प्रोजेक्ट को सेल भी किया है। इंशाल्लाह हम अपने कस्टमर्स को कुछ सरप्राइज देने वाले हैं। इस वाले से हमारी टीम की एफर्ट और मैं ख़ुद भी बताते इसके साथ अटैच हूँ और मेरी फुल कोशिश है कि अगले कुछ माह के अंदर जो है हम अपना एक कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट या कुछ हाउसिंग यानी कि जिसमें हाउस कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो प्रोजेक्ट है वो हम स्टार्ट करें प्रॉपर एक सिस्टम के साथ और एक प्रोफेशनल टीम के साथ इंशाल्लाह। मतलब बहुत ब्राइट फ्यूचर है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाबी दे। अच्छा इरफान भी मुझे ये बताएं कि एक अफेक्टिव बिजनेसमैन बनने के लिए आप में कौन सी क्वालिटीज़ होना लाजमी है? देखें सबसे पहले जो है वो आप लर्न करें, बाकी लर्निंग का जो फेज़ है वो आपका कभी ख़त्म नहीं होता। बेशक आप यानी कि ना हम जिस तरह हर डील में एक नया लेसन ले रहे होते हैं, कोई ना कोई नया हम चीज़ देख रहे होते हैं कि यार इस डील में जो है वो ये यानी कि ना आपका नेगेटिव पॉइंट था और हमने उसको कवर नेक्स्ट डील में करना है, फिर नेक्स्ट डील में कोई ना कोई और मज़ीद हमारी यानी कि ना एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जिसको हम मिस कर देते हैं। तो हर डील आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रही होती है। फर्स्ट जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप लर्नर होने चाहिए, आपको यानी जो भी आपके साथ एक्टिविटीज़ हो रही है उससे आप नेक्स्ट डील को सेव कर सकें। सेकंड ये है कि आपको मार्केटिंग का बताना चाहिए कि एक कस्टमर की वांट्स क्या होती हैं, उसकी नीड क्या होती है और उसने उसको किस तरह हमने फुलफ़िल करना है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको किस तरह अपडेट करना है और उसके बजट के मुताबिक उसको कौन सी चीज़ें यानी कि ना बेस्ट हैं और वो उसको किस तरह शॉर्ट टाइम में और लॉन्ग टाइम में बेनिफिट मिल सकता है, अपनी अपने अपने प्रोजेक्ट को किस तरह अच्छे तरीके से मार्केट करना है। और इसके अलावा जो है यकीनन ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जिन यानी कि ना तरीक़ों से सीखा है या जिन लोगों से सीखा है आप उनके साथ अटैच रहें, उनकी रहनुमाई लेते रहें ताकि आपके लिए आने वाला जो टाइम है वो हम क्योंकि हम चाहते हैं कि हर कोई इसमें कामयाब हो, क्योंकि जब कोई कामयाब होता है तो ज़री बात है कि उस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो है उसमें उसको यानी कि ना आगे बढ़ने का मौका मिलता है, वो इंडस्ट्री आगे बढ़ती है जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कंपटीशन एक यानी अच्छा कंपटीशन हो तो मार्केट में आप आपको एक्शन लेने का मज़ा आता है, आपको लोगों को ब्रीफ करने का मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे कंपटीशन के अंदर हैं। तो मेरे ख्याल है जितने लोग आए प्रोफेशनल तरीके से आए लर्निंग करके आए तो ये बहुत ही यानी कि ना उनके लिए भी अच्छा रहेगा और ख़ास तौर पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा इरफान भाई आप हमारे उन व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो रियल इस्टेट के बिज़नेस में आना चाहते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं? जी सबसे पहले आप सब लोगों को यानी कि ना मैं यही कहूँगा कि आप चीज़ों के लिए हम खुद भी अवेलेबल हैं, हम भी अवेलेबल हैं, हमारे ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी रहनुमाई के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप हमसे रابطہ करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको वो तमाम चीज़ें जो इसके फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो आपको मालूम होंगे, इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में जो चीज़ें शामिल हैं वो हम आपको बताएंगे। देखिए हम ये चाहते हैं कि हमारे वो भाई जो इसमें कामयाब होना चाहते हैं या इसमें मज़ीद यानी कि आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेन चीज़ यही है कि आपको तमाम चीज़ों का एक यानी कि सब चीज़ों का एक बेहतरीन तरीके से अंदाज़ा होना चाहिए कि मैंने इस टाइम पर ये रोल प्ले करना है, मार्केटिंग को किस तरह लेके चलना है, टीम को किस तरह लेके चलना है और इसके साथ साथ अपनी ओवरऑल एक्टिविटीज़ को किस तरह करना है देखना है और अपना चेक एंड बैलेंस किस तरह रखना है। तो इसके लिए हम खुद भी अवेलेबल हैं, हमारे जैसे जिस तरह मैंने पहले कहा कि बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो आपकी रहनुमाई करते हैं, आप आएँ क्योंकि हम रियल इस्टेट इंडस्ट्री को जो है वो देखना चाहते हैं कि ये मज़ीद तरक्की करें और इसके साथ जो लोग जुड़े हैं वो अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करें। तो मैं बस यही कहूँगा कि
हम अवेलेबल हैं विरासत यानी कि ना रियल स्टेट के प्लेटफॉर्म से अगर आप आएँ और यानी कि हमारे साथ अटैच भी होना चाहते हैं तब भी हम आपको वेलकम करते हैं। अगर आप बेशक वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हों या बेशक आप किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हों या आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हों तो आप किसी भी हालत में हैं आप हमारे साथ अटैच हों। हाँ बेशक हमें इस चीज़ से इस कोई यानी कि सरकार नहीं है कि आप चीज़ कहाँ से ले रहे हैं आप किसके साथ अटैच हैं। आप आकर कोई ना कोई चीज़ जो हमारा एक्सपीरियंस है बेशक वो कम है या ज़्यादा है वो लें। आप जो इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनसे लाजमी मिला करें उनसे अपना उनका एक्सपीरियंस लेकर फिर आप एक्शन लें तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके आने वाले जो टाइम है उसमें आपको कामयाबी से नवाजेगा। ओके इरफान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी बातें की और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें की। आई होप के व्यूअर्स भी ये देखें और इससे एज़ मच एज़ नॉलेज जितने वो ले सकते हैं वो लाजमी लें। तो नाज़रीन अगर आपने हमारे आज के एपिसोड को इन्जॉय किया है तो हमारे आने वाले एपिसोड्स को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारा कंटेंट और ला रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे आने वाले एपिसोड्स के लिए स्टे ट्यून एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और आप सॉरी और आप देख रहे हैं, ठीक बोल रही थी मैं, कन्फ्यूज़ हो गई, नो दोबारा कर रही हूँ। तो जी इरफान भाई।